मैच के बाद रविंद्र जडेजा का बयान, मैदान पर विराट ने मुझसे कहा था कि नमस्कार। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला राजकोट में खेला गया था। इस मुकाबले को भारतीय टीम ने 36 रनों से जीतकर अपने नाम कर लिया और सीरीज में एक और एक बराबरी भी कर ली थी। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय क्रिकेट टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 340 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। भारतीय टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने 96 रन तथा कप्तान कोहली ने 78 रन बनाए, जबकि इस मैच में भारतीय टीम जीत के हीरो रहे केएल राहुल ने 52 गेंदों में 3 छक्के और 6 चौकों की बदौलत 80 रनों की तूफानी पारी खेली। इंटरव्यू के दौरान दूसरी तरफ मौजूद रविंद्र जडेजा ने कहा कि मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि ये विकेट बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छी है और गेंद बल्ले के ऊपर काफी अच्छी तरीके से आ रहा है, इस वजह से मैं अच्छी तरीके से बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहा था और हमें कुछ अलग तरह के शॉट खेलने की जरूरत नहीं थी। बल्लेबाजी करते हुए मेरे ऊपर कुछ दबाव था क्योंकि मुझे इस सीरीज में ज्यादा बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला है, इस वजह से विराट ने मुझे मैदान पर कहा था कि तुम सिर्फ अपना नेचुरल गेम खेलो।